मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बाघ के आतंक से लोग परेशान हैं। कुरई तहसील के गोंडे गांव में शेर के हमले से चुन्नीलाल पटले की मौत हो गई। इस मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ऐसा हो रहा है कि शेर के हमले से किसी न किसी की जान चली जाती है। बाघों की संख्या बढ़ गई है और वन विभाग उन्हें रोकने में नाकामयाब है। लोगों ने नाराज होकर वन विभाग की गाड़ियों को पलट दिया। थोड़ा सा हंगामा हुआ, विरोध हुआ। लोगों का कहना था कि वन विभाग इन बाघों को जो गांव में घूम रहे हैं खत्म करे, मगर वन विभाग ने जब उन्हें बेहोश करने की कोशिश की तो लोग गुस्सा हो गए। आप भी यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। सवेरे कुछ लोगों पे और इधर हमला किया था तो वो झाड़ पे बैठ करके जान बचाए और उन्हीं लोगों ने आकर के यहाँ बताया कि इधर शेर भाग के आया है। तभी चुन्नी लेटरिंग गया था और उस समय यहाँ पे लोगों ने देखे तो चुन्नी पे हमला कर चुका था। जिनको शेर ने मारा है उनके घर की क्या स्थिति है? वो गरीब लोग हैं। गरीब लोग हैं। उनका गुजर बसर कैसा चलता है? थोड़ी सी खेती बाड़ी है और धंधा पानी करते हैं उनके सपुत्र। खेती बाड़ी थोड़ी सी है। अभी घर में कितने लोग हैं सर? घर में उनकी पत्नी है, एक बेटा है और बहू है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तक आप क्या मांग कर रहे हैं जो गांव? इसके लिए मांग हमने सरकार को पहले लिख के दिए थे कि शेर से आदमी मारे जाने पे 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो सरकार ने पेश टाइगर रिजर्व की बाउंड्री वाल को 12 फीट की बनाने का वादा किया था और जो लिखा हुआ है कि 12 फीट की बाउंड्री वाल रहना चाहिए वो बाउंड्री वाल नहीं बनी है, सरकार ने पत्थर के बाउंड्री वाल बनाया है। अच्छा अच्छा। और जिनको शेर ने घायल किया उनका क्या नाम है? एक का नाम है खुशलाल वघाड़े और अभी नाला के पास में किसी को और शेर ने मार दिया। किसको? ललित। ललित को अभी तत्काल? अभी तत्काल नाले में मार दिया गया। अभी तक कितने लोगों को घायल कर चुका है? मतलब ये तीन केस हो गए, एक तो हमारा गया, एक एडमिट है और एक ये नाले में पड़ा है, बोल रहे हैं। ठीक। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर रांगडाले। आपका? राजू सरनागर। जब शेर को पकड़ने की कोशिश हो रही थी उसी दौरान कुछ लोगों पर उसने फिर हमला कर दिया। इसमें एक व्यक्ति फिर घायल हो गया। इस घटना के अलावा भी इस क्षेत्र में घटनाएं आम हो चुकी हैं। शेर और बाघ के हमलों से लोग परेशान हैं। अरे जल्दी उठो। से बात हुई थी कि आप पूरा फैंसिंग करेंगे और लोगों को जब यहाँ से आदमी जंगल जाता है उसको कुछ हो जाता है तो एक गाड़ी हम लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं, मगर अब जंगली जानवर घर में आके हमला कर रहा है हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए लोगों का आक्रोश है। हमारी मांग ये है कि इसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिवार को मिले और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और सरकार जल्दी से जल्दी अपनी वन भूमि का किसानों के लिए दिन में लाइट फेंसिंग करवाए। और दूसरी बात यह है जो रात को बिजली दे रहे हैं आप लोग, अब आज दिन में घटना हो गई, सुबह सुबह 6 बजे की घटना है, रात में पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए दिन में बिजली दी जाएगी। क्यों चाहते जी बताओ? खामोशी का जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे करना चाहिए। आज सांसद में भी मैंने अभी विधानसभा में उठाऊंगा, मैंने वहाँ पे भी उठाया कि एक छोटा सा चुंगर हम ये फसल लगी है, कल आदमी आएगा चौपट पूरी जिंदगी उसकी रोता बैठ के आदमी, वहाँ कुछ नहीं होता गरीब को, 1000-2000 भी नहीं मिल पाते, ये जिंदगी यार यहाँ पे रात में मतलब पूरा नरक बना हुआ, लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं, इस बात को ना तो जनता भी समझ में आ रही है ना तो नेताओं को समझ में आ रही, मतलब जब उसमें लगना चाहिए ना यार, मतलब कहीं भी आपके इतनी बड़ी घटना घटी किसी के भी घर पे आज उस परिवार को पूछो जिसके परिवार से गए, 2-4 ऐसे परिवार हैं जिनके कोई नहीं है। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।